रेशो आपके पास क्या चीज है आपको स्क्रीन पर रेशो की डेफिनेशन नजर आ रही है इज इज अ टर्म दैट टू टू कंपेयर क्वांटिटीज बाय डिवीजन आप क्या करते हैं रेशो को हमेशा हम दो डॉट से डिनोट करते हैं और इस डॉट का मतलब होता है डिवीजंस नेक्स्ट स्टूडेंट्स रेशो को यूजुअली फ्रिक्शन की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं और रेशो के लिए कंडीशन ये होती है कि दोनों आपके पास क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए और उनका यूनिट भी सेम होना चाहिए लाइक इफ़ वी कंपेयर किलोग्राम्स तो आपके पास दोनों क्वांटिटीज किलोग्राम्स में होनी चाहिए अगर आप उसको मीटर में कंपेयर करें तो दोनों क्वांटिटीज आपके पास मीटर में होनी चाहिए फॉर एग्जांपल थ्री किलोग्राम्स रेशो ट्वेल्व किलोग्राम तो ये आपके पास दोनों क्वांटिटीज किलोग्राम्स में है इसी तरह आपके पास रेशो का क्योंकि ये दोनों किलोग्राम में जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो इनका कोई भी यूनिट आपके पास नहीं आएगा आंसर में बिकॉज बोथ यूनिट्स कैंसिल ईच अदर देन स्टूडेंट्स अगर हम बात करें रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की तो जैसे अभी हमने एक्जाम्पल देखी है थ्री के जीज़ रेशो ट्वेल्व केजेज तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों टेबल दोनों नंबर्स थ्री के टेबल पर डिवाइड होते हैं तो आप इसको इन दोनों नंबर्स को थ्री के टेबल पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा वन रेशो फोर क्योंकि किलोग्राम्स ऑलरेडी एक दूसरे से कैंसिल हो चुके होते हैं इसके बाद स्टूडेंट्स हमने रेट पढ़ा था रेट क्या होता है रेट आपके पास इज़ अ फॉर्म ऑफ रेशो लेकिन इसमें क्या होता है इसमें एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही होती है रेट में एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही होती है और दोनों क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फॉर एक्ज़ाम्पल आपके पास जो किसी भी चीज़ कोई अगर रनर है वो रेस में दौड़ा है तो उसकी जो उसने जितना डिस्टेंस कवर uh, किया होगा वो डिस्टेंस डिपेंड करेगा टाइम पे स्टूडेंट्स रेट से रिलेटेड हमारे पास टी व्यू एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके पास बस क्वेश्चन नंबर सिक्स है जिसमें वो कह रहे हैं सिम्पली द फॉलोइंग रेट्स आपको कुछ अमाउंट्स दी गई हैं कुछ क्वान्टिटीज़ दी गई हैं आपने इसको सिम्पली रेट में चेंज करना है इस इनका रेट निकालना है इनकी रेशोज़ निकालनी है और वो किस तरह निकालनी है सब आप पिछली वीडियोज़ में सीख चुके हैं इसके अलावा आपने इसका क्वेश्चन नंबर सेवन अगर देखें तो सेवन में आपके पास एक कॉन्टीन्यूड रेशो आ रही है और ये वाली चीज़ भी आप पीछे पढ़ चुके हैं क्वान्ट्यूट रेशो क्या होती है जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ में आप रेशो निकालते हैं और वो दोनों क्वांटिटीज आपस तीनों क्वांटिटीज आपस में दूसरे के साथ रिलेट कर रही होती हैं लाइक ए रेशो बी और बी किसके साथ रिलेट कर रहा होता है सी के साथ यानी कि बी रेशो सी उस सूरत में आप क्या करते हैं उस सूरत में आप कुछ इस तरह क्वेश्चन करते हैं ए रेशो बी रेशो सी ए रेशो बी के नीचे ए रेशो बी की वैल्यूज़ लिखेंगे और बी रेशो सी के नीचे नेक्स्ट स्टेप में आप बी रेशो सी की वैल्यूज़ लिखेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू सॉल्व करेंगे इनके ए को बी के साथ बी को सी बी को बी के साथ और बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह आप इसका आंसर निकाल लेंगे सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो में उम्मीद करती हूँ आपको रिवीजन में रेट रेशो कॉन्टिन्यूट रेशो ये चीजें समझ में आएंगी स्टेट यून टिल नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़